नमस्कार, मैं हूं सपना पाठक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। विदिशा की सिरोज तहसील में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा किया संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिरोज के बस स्टैंड पर एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सागर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राज बहादुर के लिए वोट डालने की अपील की। उन्होंने बताया, राज बहादुर सच्चे और ईमानदार नेता हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार पुनः बनने जा रही है तो आप लोगों से विनती है कि भाजपा के नेता राज बहादुर को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताया कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है, किसान मजदूर और आम जन को मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो योजनाएं हमने चालू की थी उन्हें भी बंद कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, मोदी सरकार की कई योजनाएं रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल रसोई गैस योजना और अनेक योजनाएं बताएं। उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए बताया, जो गिनी चुनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। बताया कि नहीं, भोपाल में नोटों के बंडल पे बंडल, गड्डियों पे गड्डियां, बोरियों पे बोरियां, 281 करोड़ एक छापे में। कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीना में अरबपति, लूट लिया पूरे प्रदेश में। ये बात करते हैं मेरे बहनों और भाई, इस कांग्रेस के खून में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कांग्रेस के खून में। आप देखो, जब राहुल बाबा की सरकार थी कितने घोटाले, समय ज्यादा नहीं है, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, खा गए पूरे देश को ये कांग्रेस। आज बात करते हैं मोदी नहीं होना, मोदी ने क्या किया है? मोदी ने यही तो कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। पारदर्शी प्रमाणिकता से सरकार चला रहे। मेरे बहन और भाई, याद करो वो दिन जब कांग्रेस की सरकार हो चुकी, आतंकवादी आते थे, हमले होते थे, बंबई को लहू लुहान कर गए, लाशों के ढेर लगाते थे और भारत के प्रधानमंत्री रोते ही रहते थे, पाकिस्तान मार गया, अमेरिका वाले बचाओ, रूस वाले, शर्म आती थी, शर्म। 130 करोड़ का भारत, माथा शर्म से झुक जाता था, रोता था हमारा देश, प्रधानमंत्री। याद करो शहीद सुधाकर सिंह, सीधी के गांव के, गर्दन काट के ले गए आतंकवादी, गर्दन काट के पाकिस्तान, और पाकिस्तान की धरती पर उनकी सर को रख के फुटबॉल की तरह ठोकरे मार मार के खेले ये बेईमान, फुटबॉल की तरह ठोकरे मार मार के। और भारत के प्रधानमंत्री को गुस्सा नहीं आया, आंखों में आंसू नहीं आया, खून में उबाल नहीं आया। वो शहीद की विधवा मेरी बहन मुझे एक ही बात कहती थी जब अंतिम संस्कार के लिए गया, कुछ नहीं चाहिए भैया, मेरे पति का शीश ला दो, मैं अंतिम दर्शन तो कर लूं। वो निकम्मी सरकार सुधाकर सिंह के शीश को वापस बताया कि नहीं, भोपाल में नोटों के बंडल पे बंडल, गड्डियों पे गड्डियां, बोरियों पे बोरियां, 281 करोड़ एक छापे में। कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीना में अरबपति, लूट लिया पूरे प्रदेश में। ये बात करते हैं मेरे बहनों और भाई, इस कांग्रेस के खून में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कांग्रेस के खून में। आप देखो, जब राहुल बाबा की सरकार थी कितने घोटाले, समय ज्यादा नहीं है, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, खा गए पूरे देश को ये कांग्रेस। आज बात करते हैं मोदी नहीं होना, मोदी ने क्या किया है? मोदी ने यही तो कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। पारदर्शी प्रमाणिकता से सरकार चला रहे। मेरे बहन और भाई, याद करो वो दिन जब कांग्रेस की सरकार हो चुकी, आतंकवादी आते थे, हमले होते थे, बंबई को लहू लुहान कर गए, लाशों के ढेर लगाते थे और भारत के प्रधानमंत्री रोते ही रहते थे, पाकिस्तान मार गया, अमेरिका वाले बचाओ, रूस वाले, शर्म आती थी, शर्म। 130 करोड़ का भारत, माथा शर्म से झुक जाता था, रोता था हमारा देश, प्रधानमंत्री। याद करो शहीद सुधाकर सिंह, सीधी के गांव के, गर्दन काट के ले गए आतंकवादी, गर्दन काट के पाकिस्तान, और पाकिस्तान की धरती पर उनकी सर को रख के फुटबॉल की तरह ठोकरे मार मार के खेले ये बेईमान, फुटबॉल की तरह ठोकरे मार मार के। और भारत के प्रधानमंत्री को गुस्सा नहीं आया, आंखों में आंसू नहीं आया, खून में उबाल नहीं आया।
वो शहीद की विधवा मेरी बहन मुझे एक ही बात कहती थी जब अंतिम संस्कार के लिए गया, कुछ नहीं चाहिए भैया, मेरे पति का शीश ला दो, मैं अंतिम दर्शन तो कर लूं। वो निकम्मी सरकार सुधाकर सिंह के शीश को वापस। विदिशा से शकील खान की एक रिपोर्ट।